अच्छा बहुत ब्रांड में I will personally talk to her. मैंने IAS ऑफिसर बनना है। अभी रिसेंटली जब इसने KS क्वालिफाई किया तो वो कहने लगे कि मेरे लिए बड़ा टारगेट नहीं है, मैंने बनना है तो IAS ऑफिसर ही बनना। चलो आज हम खुश हैं क्योंकि जो 15-16 घंटे वो भी मैं देती थी वो अपनी पढ़ाई में, तो आज हम हमारे लिए अच्छा खुश है हम कि चलो उसका अपना टारगेट जो है उसको अचीव हो गया है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आज खुशी का वो मकाम और खुशी की वो घड़ियां जिस तरीके से खुशी के आंसू आपकी आंखों से टपक रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा बच्ची की परवरिश करना और खास करके बच्ची को उस स्टेज तक पहुंचाना उसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपने किस तरीके का जो है इसमें योगदान दिया? हमने उसको जितना उसने स्कूल में किया उतना ही हमने उसको रिफंड किया। इसके बाद उसने कहीं कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली, वो खुद सेल्फ स्टडी करती रही घर से, क्योंकि इसलिए कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया, फिर कुछ सामान अलग से दिन में दी थी, बस इतना ही वो उठती थी कि जब उन्हें खाना खाना होगा या कुछ पास। इसके बाद उसकी अपनी स्ट्रेटी आज नहीं किया यहाँ पर वो चाहती है आज जी। तो क्या लगता है आपको जिस तरह से पहले बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी लेकिन आज के दौर में आप देखिए बेटियां सबसे आगे फील्ड में निकल रही हैं, क्या आगे जाना चाहती हैं? हम भी यही पेरेंट्स से कहेंगे कि बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए, किसी के बाद जब जो होता है आज हम प्रसन्न जी को लेकर आए हुए हैं, ये मेरी मांझी लगती है, हम सब यहाँ उसकी खुशी में इस्तेमाल हैं और हम सब उसको वो हमारे बीच में नहीं है, वो इस वक्त श्रीनगर में है अपने ट्रेनिंग के मकसद में, तो हम हमारी फैमिली पूरी यहाँ पर इकट्ठी है उसकी खुशी मना रहे हैं, इसकी उसकी कमी लग रही है बट हम कहते हैं कि जब वो आएंगे हम ऐसे इसी तरह दोबारा ये सिस्टम करेंगे, तो हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, उसके नानके उसके दादके सब यहीं पर हैं, तो उस बच्ची ने उस बच्ची का बचपन से लेकर अभी तक जो वो बच्ची जो है हमारी फैमिली में मतलब एक होता है ना कोई किसी को इग्नोर करता है, वो खुद इग्नोर अपने आप करती रही किसी फैमिली में, किसी फंक्शन में उसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, हमें दुख भी लगता था तब कि क्यों नहीं आती है, इतनी क्या पढ़ाई हुई ये क्या हुआ, बट अब हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक थी वो, अब क्योंकि उसने एक टारगेट पूरा करना था और उसने अपना ये बात टारगेट पूरा भी कर लिया, ये उसी बच्चे की मेहनत है, उस बच्चे की मेहनत है और उसके पेरेंट्स की जिन्होंने उसकी हर इच्छा को पूरा, और अब वो बच्ची यहाँ तक पहुँची। अब मैं एक बात कहूँगी कि लोग कहते हैं लड़का और लड़की, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, अब हमें लड़कियों और लड़कों को साथ लेकर चलना चाहिए और बेटियाँ हर पेरेंट्स को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारे लिए और सिर ऊंचा हो गया हमारा हमारे पूंछ वालों का कि एक बेटी इस मुकाम पर पहुंची है, तो मैं अपनी तरफ से अपने पूरे रिश्तेदारों की तरफ से पूरी पूंछ वासियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ। मैं ये भी जानना चाहूंगा जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या लाडली बेटी या ऐसी कई स्कीमें निकाली गई थी सिर्फ बेटियों को इम्पोर्टेंस देने के लिए, कितनी जमीनी सतह पर वो पूरी हो? अगर गवर्नमेंट ने ये चलाया था तो ये पक्का पूरा होगा और हो भी रहा है, ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं नेचुरली ये पूरा होगा, पक्का पूरा होगा, क्योंकि बेटी आज कल फील्ड में अभी हमारे घर से ही हमें हमारी बेटी इस बेटी ने ही पूरा कर दिया तो हमें तो लगता होगा पूरा। आप दीगर जो लोग हैं उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? वो बच्चियां जो आगे फील्ड में निकलना चाहती है लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता उनको क्या इम्पोर्टेंट? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां सबसे आगे बढ़े, उनका पूरा हक है, वो हर फील्ड में आगे हैं और आगे भी आए, वो आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक ही फील्ड में